हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनीषा। तो दोस्तों, अधिक मास में पड़ने वाली संकष्ट चतुर्थी के दिन सिर्फ आप एक दान करते हैं तो दोस्तों आपकी सारी परेशानी मिट सकती है। जी हाँ, नौकरी व्यापार में आ रही अड़चने दूर होगी, आर्थिक समस्या से निजात पाएंगे दोस्तों, विवाह में आ रही रुकावटें अवश्य पूरी होंगी दोस्तों, आपके जो भी मन में इच्छा है वो तुरंत पूरी हो सकती है दोस्तों, सभी काम आपके बनेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा एक दान है जिसे करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दिन विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाती है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है दोस्तों। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी से की जाती है दोस्तों। भगवान गणेश को प्रसन्न करना काफी आसान होता है। अपने भक्तों से भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, संभव हो तो इस दिन रथ भी रखें। भगवान गणपति को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा वास बहुत ही प्रिय है तो दोस्तों ये भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्वा वास चढ़ाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं, भगवान गणेश का ध्यान करें। जी हाँ दोस्तों, इस दिन ओम गण गणपते नमः इसका दोस्तों इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें दोस्तों। भगवान गणेश जी को भोग लगाएं, आप गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। इस व्रत में चांद की पूजा का भी महत्व होता है। शाम को चांद के दर्शन करने से दोस्तों व्रत खोले, भगवान गणेश की आरती जरूर करें दोस्तों। अधिक मास में पड़ने वाली संकष्ट चतुर्थी के दिन आप 11 लड्डू अवश्य खरीदें दोस्तों। एक लड्डू मंदिर में अर्पित करें, बाकी 10 लड्डू लोगों में प्रसाद के तौर पर बांट दें दोस्तों। फिर मनोकामना पूर्ति के लिए आपके मन में जो भी चाहे वो भगवान गणेश को अवश्य बोलिएगा। और दोस्तों, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें दोस्तों। ये आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं दोस्तों। मान्यता है कि भगवान गणेश की आराधना करने से अधिक मास में पड़ने वाली संकष्ट चतुर्थी के दिन ये उपाय करने से आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे होंगे दोस्तों। देर किस बात की नहीं करते हैं तो अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों रथ रखे या ना रखे पर ये उपाय अवश्य करिएगा दोस्तों। यह करने से आपके सभी रुके हुए काम अवश्य पूर्ण होंगे, मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये उपाय अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।